यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत चार युवकों ने एक व्यक्ति पर तेज धार शस्त्र से हमला कर गंभीर जख्मी कर दिया। मामूली बात को लेकर पहले हुआ था विवाद। नागपुर शहर के वनदेवी नगर में शनिवार को गुड्डा गुड़िया के शादी का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें परिसर के सभी नागरिक शामिल थे। उसी दौरान जख्मी रोहित पराते उम्र 26 वर्ष यह नशे की हालत में आकर कार्यक्रम भंग करने लगा। तभी आरोपी युवक शुभम हुक्केकर उम्र 25 वर्ष, सतीश कावरे, शुभम मौजूमदार और शिव नंदनवार, इन्होंने उसे तू शराब के नशे में है, अभी बाजू में बैठ, ऐसा कहा। अगले दिन जब उपरोक्त चारों आरोपी कहीं बैठे हुए थे, तभी जख्मी ने उनके पास जाकर फिर से विवाद करने लगा। जब बात बढ़ गई तो आरोपी शुभम हुक्केकर ने उस पर धारदार शस्त्र से हमला कर जख्मी कर दिया। और जब आसपास के लोगों को घटना की खबर लगी तो जख्मी को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। इस मामले में यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया गया है। दिनांक 22/4/23 रोजी संध्याकाळी वंदेवी नगर परिसरामध्ये एक कार्यक्रमामध्ये राजेंद्र पराते, रोहित राजेंद्र पराते हा दारू पिऊन आला होता। त्या ठिकाणी कार्यक्रमामध्ये वाद घालत असल्यामुळे त्याला बाजूला काढले। त्याच वादावरून दिनांक 23/4/2023 रोजी सायंकाळी 8 सुमारास पुन्हा वादविवाद झाला। त्याच्यामध्ये शुभम हुक्केकर यांनी रोहित पराते यांना चाकूने मारल्यामुळे ते गंभीर जखमी झालेले आहेत। सध्या त्यांच्यावर मेवा येथे उपचार चालू आहे। अटक आरोपीचा रेकॉर्ड अद्यावत नाही आहे, सध्या तरी नाही आहे, पण आरोपी सध्या ताब्यात आहेत, पुढील कारवाई चालू आहे। या गुन्ह्यामध्ये चार आरोपी आहेत, शुभम हुक्केकर, शुभम मुजुमदार, शिव नंदनवार आणि सतीश कावळे, हे चार आरोपी असून त्यांना DB पथकाच्या मार्फतीने गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी घटनेनंतर ताब्यात 1 तासाच्या आत घेतलेला आहे। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।